मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने रेत माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते प्रदेश भर में खनिज विभाग द्वारा अवैध खनन माफियाओं पर लगाम कसी जा रही है। इसी कड़ी में भिंड जिले में छापामार कार्यवाही करते हुए मौके से 3 पॉकलेन मशीनों को जब्त किया गया है। इस दौरान नर्मदा न्यास अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा भी मौजूद रहे। दरअसल नर्मदा न्यास के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा को भिंड जिले की सिंधु नदी के गोरम घाट पर अवैध रेत उत्खनन की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर कंप्यूटर बाबा प्रशासन और पुलिस टीम के साथ गोरम घाट पहुंचे, जहां उन्होंने मौके से अवैध उत्खनन करती 3 पॉकलेन मशीनों को जब्त किया है। हालांकि कंप्यूटर बाबा और प्रशासन की टीम मौके पर नहीं पहुंचे, इसके लिए रेत माफियाओं ने बीच रास्ते पर ट्राली खड़ी कर दी, जिसे पुलिस जवानों और स्वयं कंप्यूटर बाबा ने धक्का मारकर रास्ते से अलग कर दिया। इस दौरान कंप्यूटर बाबा ने कहा कि माफिया यह समझ जाए कि ये कमलनाथ सरकार है, चाहे कितने भी हथकंडे आजमा ले, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे। भिंड जिले की गोरम खदान में जाने के लिए हमने माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, भिंड से हमने बात करी, उन्होंने पूरा दलबल दिया, एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस महकमा को देकर के हमारे साथ किया। हम जैसे ही गोरम घाट पर घुस रहे थे, एक ट्राली बीच में माफियाओं ने बीच में खड़ी कर दी, हम लोगों ने हाथ से पकड़ के ट्राली को बाहर किया। तब तक अंदर जाके देखा तो 3 पोखलेन ऊपर की ओर चढ़ रही थी और किनारे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। हम लोगों ने, हमारे साथ एसडीएम, तहसीलदार, माइनिंग, सब लोग मिलकर के उसको दबोच दिया और तीनों का केस बनाने के लिए संबंधित एसडीएम, तहसीलदार और माइनिंग अधिकारियों को कहा कि आप इसका तत्काल इसको केस बनाएं और इसे राजसात कराएं। ये मैं रेत माफियाओं से कहूँगा, ये कमलनाथ सरकार है, ये शिवराज सरकार नहीं है। संभल के रहना, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी गलत काम करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। नदियों को नुकसान पहुंचाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। धन्यवाद। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।